सीयूटी 2023 के एस्पेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम अब स्टार्ट होने वाला है। ऐसा मैंने क्यों बोला, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है इसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए वो होता है CSAS पोर्टल, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। इसके थ्रू ही आप लोगों को पूरा एडमिशन जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है आप लोगों की दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उससे गुजरना होता है। अब ये कब लॉन्च होने वाला है, तो इसके लिए नीचे आप लोगों को नजर आ रहा है प्रोफेसर हनीफ गांधी है जिन्होंने इसके लिए एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने बोला कि बहुत जल्दी इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने थोड़ा और भी बोला था कि वो बोला है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर इसको रिलीज कर दिया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर कैसे प्रोसेस होती है, तो CSAS पोर्टल जो होता है उसके 3 फेजेस में आप लोगों को पूरी प्रोसेस को करना होता है। सबसे पहले आप लोगों को इसके ऊपर रजिस्टर्ड करना होता है, रजिस्टर्ड करने के बाद में देन आप लोगों का सेकंड फेज स्टार्ट होता है, उसके लिए आपको अलग से टाइम दिया जाता है जिसके अंदर आप लोगों को प्रिफरेंस को फिल करना होता है। और थर्ड जो फेज होता है उसके अंदर होता है सीट अलॉटमेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए करती है, यानी कि 2 फेजेस जो स्टार्टिंग के हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए अब आप लोगों को अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार करके रख लेना है जिससे आप लोगों का जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना है और इजीली आप लोग इसके अंदर प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर पाए। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल, जुड़े रहिए अड्डा 24/7 CUT चैनल से, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑथेंटिक वीडियोज आप लोगों को इस चैनल के ऊपर मिलती है।